हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी आर्ट। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एमारिलिस लिली। ये जो आप रेड कलर का सुंदर सा फ्लावर देख रहे हैं, ये एमारिलिस लिली है। एक्चुअल में ये ट्रू लिली नहीं है, लेकिन लिली से रिलेटेड एक ट्यूलिप है। ये देखिए इसके सीड्स। आज इस वीडियो में हम इसके सीड्स कलेक्ट करना देखते हैं। ये समर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसमें कई तरीके के कलर्स आते हैं, रेड, ऑरेंज, वाइट। तो ये देखिए, ये सुंदर सा पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये एमारिलिस लिली का है। और ये जो ब्रांच है इसकी फ्लावर की है। जो साइड में आप पिक्चर में रेड लिली देख रहे हैं, ये वही प्लांट है। अब ये फ्लावर्स सूख गए और इसमें दो पॉट बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, जो कि एक बंद है। ये देखिए, ये पूरा बंद है अभी और एक खुल गया है, जिसे हमें कलेक्ट करना है। तो ये सही समय है इसे कलेक्ट करने का। अगर हमने एक दो दिन इसे प्लांट में और छोड़ा तो ये बिखर जाएगा। ये सीड्स बहुत हल्के होते हैं, तो हमें इस पॉट को कट करना है। ये इसकी फ्लावर ब्रांच है, जो काफ़ी ऊपर तक आती है। ये देखिए, इसमें कई सारे टाइप से फ्लावर्स निकलते हैं। इसमें कुछ टू फ्लावर्स वाली ब्रांचेस होती हैं, कुछ थ्री, कुछ फोर। ये टू फ्लावर्स वाली ब्रांच है, ये देखिए। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको इसको कैसे कट करना है हमें। ये एक इसका दूसरा प्लांट है, जिसमें अभी कोई भी बर्ड नहीं आई है। ये प्लांट ही अपने आप में देखने में बहुत ही सुंदर होता है। तो चलिए इस प्लांट से अब इस पॉट को हम करते हैं अलग। इसे बहुत ही आहिस्ता से पकड़ के, इस तरीके से कट करके मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि इसके सीड्स बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए इसे बिखरने का डर है। हमें इसे तुरंत किसी पेपर या प्लेट में रख लेना है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसे एक प्लेट में रख लिया है। अब हम इसे बहुत ही आसानी से इसके बीज निकाल लेंगे। अक्टूबर नवंबर इसके सीड्स को लगाने का बिल्कुल सही समय होता है। ये देखिए, इसे कहीं कहीं पे मार्च लिली भी बोलते हैं, क्योंकि मार्च से इसमें अच्छी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। अब हमें इसे बहुत ही सावधानी से बाहर का हटाते हुए धीरे धीरे इसके बीज गिरा देने हैं। ये बहुत ही हल्के और सॉफ्ट बीज होते हैं। ये देखिए, एक ही बल्ब में कई सारे बीज निकल आए हैं। वैसे तो ये वाला लिली हम लोग बल्ब से भी ग्रो करते हैं, लेकिन अगर आपका गार्डन है जिसमें आपको बहुत सारे लिली लगाने हैं, तो आप इस तरीके से बीज कलेक्ट करके लगाइए, वो ज़्यादा ईजी होगा और आप कई सारे पेड़ लगा सकते हैं इससे। अगर आप इस तरीके से फ्रेश बीज निकाल के लगाएंगे, तो उसका जर्मिनेशन रेट 80% तक रहता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से है। इसे एयर टाइट कंटेनर में कलेक्ट करके रख लेना है। और अगर आप इसे कुछ दिन बाद लगाएंगे, यानी एक साल के लिए अगर रख देंगे, तो इसका जर्मिनेशन रेट कुछ कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी अपने एमारिलिस लिली के सीड्स कलेक्ट करिए और उसे ग्रो करिए। इसे लगाने का सही समय होता है अक्टूबर नवंबर, क्योंकि ये मार्च से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। इसके जर्मिनेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि इसे पहले आप पानी में भिगो दें। ये कुछ दो हफ्तों में इस तरीके से स्प्राउट्स जनरेट हो जाएंगे, उसके बाद आप इसे सॉयल में लगाइए। आप भी अपने प्लांट से इस तरीके से सीड्स कलेक्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।